सांसद अनिल फिरोजिया और भारतीय जनता पार्टी के ग्रामीण अध्यक्ष बहादुर सिंह बोर मुंडला सहित भारतीय जनता पार्टी के अन्य पदाधिकारी इंगोलिया मंडल के ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचे और किसानों से चर्चा की, साथ ही जगह जगह चौपाल बनाकर किसानों को संबोधित किया। वहीं बताया कि कृषि बिल किसानों का लिए फायदेमंद है और केंद्र सरकार के द्वारा यह आपके फायदे के लिए लागू किया गया है और कांग्रेस के नेता कृषि बिल को गलत बताकर गुमराह करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है और कोई अस्तित्व अब कांग्रेस पार्टी का नहीं है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में किसानों के लिए हर संभव मदद के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही केंद्र में बैठे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों को सक्षम और मजबूत बनाना चाहती है। इससे वह किसानों के लिए ज्यादा से ज्यादा योजनाएं चलाकर लाभ दिलाना चाहती है। प्रभारी जोशी जी और सभी यहाँ पे वरिष्ठ जन पंड्या जी, पटेल साहब, दत्ता दत्ता जी, युवा मोटर गांव के हमारे प्रमुख प्रमुख लोगों को बुलाया, लेकिन अब आपको गांव गांव की चौपाल से आप लोगों को जाना और पार्टी की तरफ से, संगठन की तरफ से आपको यह बात रखनी कि किसान बिल अभी जो आया, अभी आपने देखा होगा कि ये जो बिल पास हुआ, राज्यसभा में हंगामा हुआ, तोड़ फोड़ हुई, मेरे को तो बड़ी ताज्जुब है कि जो बुजुर्गों को मैं वहाँ चलते हुए भी देख सकता था वो चढ़ चढ़ गए। उनको जैसे कहा था एनर्जी आ गई थी, जो सभापति जी टेबल पर चढ़ रहे हैं, बिल फाड़ रहे हैं, सही में चढ़ रहे, मतलब चलने में तो दो लोग पकड़ के ले जाते लोग, तो मेरा बड़ा ताज्जुब हुआ यार। मैंने कहा ये क्या, सिर्फ उस बिल का विरोध करना, पर वहां से भी सर्वसम्मति से वो बिल पास हुआ, लोकसभा से भी पास हुआ। अब वो मैदान में उतरे कि इस बिल का विरोध करना, मेरे को विरोध क्यों करना, जब चुनाव का टाइम था तो वही राहुल गांधी चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, इसी बिल का समर्थन कर रहे थे और उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी डाला था कि हम लेके आएंगे, स्वामीनाथन की बात करते हैं। वास्तव में हमारा देश 1947 में आजाद हुआ। पर सांसद जी का स्वागत किया गया था, किस प्रकार से मांग पत्र रखा गया और क्या रहा? वो हमने मांग पत्र रखा है कि एक तो हमारे ये स्कूल 12वीं की परीक्षा होना चाहिए और माताजी तक का रोड और उसमें लाइट की व्यवस्था करने के लिए गांव से लगा के रोड रखा, वहाँ माताजी भोज माता तक लाइट लगाने की। और किस प्रकार से स्वागत किया गया रहा, किस प्रकार से सिंपल से तोला गया, क्या रहा? सिंपल से तोला गया सांसद जी को और हमारे यहाँ आए तो उनका स्वागत किया गया और हमें ये आवेदन दिए हमने जो भी हमें सुपुर्द कर ताकि हमारा राइट सुविधा हो जाए, माता जी की नवरात्रि में सुविधा हो जाए, कोई नुकसान नहीं हुआ, रात में आधी रात में आने जाने में लाइट लग जाए तो बहुत बढ़िया। भाई साहब बताइए किस प्रकार से आज यह यात्रा इंगोरिया मंडल में संपन्न हुई और किस प्रकार से क्या रहा? ये भारत एक कृषि प्रधान देश है और किसानों की चिंता, गाँव गरीब की चिंता लेने का काम भारतीय जनता पार्टी और उसके यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया और माननीय सांसद जी ने निर्णय लिया कि पूरे संसदीय क्षेत्र में एक एक विधानसभा में करके यात्रा प्रारंभ करेंगे। सौभाग्य है कि बड़नगर विधानसभा में और बड़नगर में भी इंगोरिया मंडल से यात्रा प्रारंभ हुई और यात्रा का स्वागत जोरदार तरीके से हो गया। सांसद जी ने भारत सरकार की विभिन्न योजना जो बिल पारित किया उनको बताया गया, किसानों को सम्मान निधि, इन सारे विषयों पर विस्तार से चर्चा रखी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और भारत की सरकार। रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।